Hope you're all doing good. Let's start today's chapter Water. Learning objectives. In this chapter, we will learn about the uses of water, the states or forms of water, and the water cycle. Water is everywhere, it fills the rivers, lakes, seas, and oceans. In fact, about 70% of the earth's surface is covered with water. That is why the earth is also called the watery or blue planet. Water is also Found under the ground. This is called underground water. People dig wells and use hand pumps to get this water. Water is present in all the things we eat and drink. It is also present in the bodies of all animals, plants, and human beings. The human body is made up of about 70% of water. The shortage of water in our body causes dehydration. In case of dehydration, we should take ORS, Oral Rehydration Solution or Soup. Our body needs a minimum of six glasses of water every day. वाटर हर जगह पाया जाता है है ना इनफैक्ट सेवेंटी परसेंट जो अर्थ का सरफेस है वो आपका वाटर है वाटर से कवर्ड है इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है या वाटरी प्लानट भी कहा जाता है आपका वाटर अंडरग्राउंड में भी मिलता है जैसे अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं उसके बाद हम जैसे कुएं खोते है, हैं हैंडपम्प के थ्रू पानी को निकालते हैं तो देखिए इत जितने भी लिविंग थिंग्स इस अर्थ में प्रेजेंट हैं हर किसी को वाटर की ज़रूरत है राइट right? तो हर वाटर आपका हर चीज़ में जो हम चीज़ें खाते हैं जो पीते हैं राइट एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी आपका वाटर है प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी वाटर है ह्यूमन बॉडी जो है वो सेवेंटी ऑफ वाटर और कभी अगर शॉर्टेज हो जाता है पानी की हमारी बॉडी में तो उससे डिहाइड्रेशन होता है और ऐसे केस में हमें ओ लेना चाहिए ओ का मतलब होता है कि ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन या फिर सूप और हमारी बॉडी को मिनिमम हर दिन छः ग्लासेस चाहिए होते हैं मिनिमम न सर्वाइव फॉर मेनी वीक्स विदाउट फूड बट फॉर ओनली थ्री और फोर डेज विद आप बिना खाए काफी दिन तक रह सकते हैं लेकिन बिना पानी के आप कुछ ही दिन यानी कि थ्री या फोर डेज तक ही रह सकते हैं प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन ओनली लिवन वाटर वॉट वुड हैपन इफ ए फिश इज टेकन आउट अ वाटर इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे तो ये प्लांट्स को खाने की जरूरत होती है राइट right? खाने की जरूरत होती है तो उनको पहले वाटर की जरूरत होती है तभी वो खाना बनाएंगे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स आपके सिर्फ पानी में रहते हैं अगर आप फिश को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा आपको पता ही है कि क्या होगा डू यू नो ब्लू वेल द वर्ल्ड बिगेस्ट एनिमल लिव्स इन वाटर ब्लू वेल आपका वाटर में रहती है यू नो दैट एंड ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एनिमल है स्टेट्स ऑफ वाटर वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस Solid, ice or snow is a solid state of water, ice has a definite shape, it also has a definite volume, ice is lighter than water and floats on it. Liquid, water as we use it every day is in the liquid state, water has no definite shape. However, it has a definite volume, it takes the shape of the vessel in which it is capped. Gas, steam or water vapour is gaseous state of water, steam or water vapour has neither a definite shape nor a definite volume. वाटर आपको पता है थ्री स्टेट्स में पाया जाता है एंड वाटर एक लौता ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों ही स्टेट में आपके मिलता है जैसे आपका आइस है स्नो है ये वाटर का क्या है सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड की क्या होती है एक डेफिनेट शेप होता है एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड वाटर जो हम डेली कंज्यूम करते हैं एवरी जो यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म है वाटर क्योंकि लिक्विड है लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है बट इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है आप जिस भी वेसल में वाटर को डालते हैं ना ये उसका शेप ले लेता है गैस अब गैस में आपका आता है स्टीम या वाटर वेपर ये आपका गैसेज स्टेट है अब आपका जो स्टीम या वाटर वेपर है इसका ना तो डेफिनेट शेप होगा ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होगा वाटर चेंजेस इट्स स्टेट्स वाटर चेंजेस स्टेट्स ऑन हीटिंग और ऑन कूलिंग यू कैन ऑल्सो चेंज वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू एनअदर वाटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं कैसे ईदर बाई हीटिंग और बाई कूलिंग नो वाटर इज द ओनली सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये आपको मैं अभी बता चुकी हूं कि वाटर एक सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है देखिए आपको यहां पे एग्जाम्पल दिया है आप आइस को हीट करेंगे तो वाटर बनेगा वाटर को हीट करेंगे वो क्या बनेगा स्टीम यानी गैसे फॉर्म में आ जाएगा आप स्टीम को कूल करेंगे तो वाटर बनेगा वाटर को कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आइस में लेट्स डू इट पुट सम आइस In a beaker and leave it on a table for 20 minutes. You will see that ice changes into water. Now, heat the water. You will see that water starts changing into steam. Bring a gold plate near the steam. You will see small drops of water on the plate. It means the steam changes back into water. If you further cool the small drops of water, it will change into ice. Now, do you to do it? In a beaker is no ice and the beaker. will 20 minutes. Will you will notice that the water converted.

वाटर जो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उसे कहते हैं इवेपोरेशन एंड वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हमारे नेचुरली nat चलते रहते हैं नेचर में चलते रहते हैं जिससे आपकी वाटर साइकिल बनती है तो वाटर साइकिल द सन हीट्स अप द वाटर इन द रिवर्स पॉन्स लेक्स एंड ओशन दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस इन द एटमॉस्फेयर हाई अप इन द स्काई दिस वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड एयर इट गोज डाउन टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर These tiny drops of water join together to form clouds. and further cooling, the clouds become heavy and fall on the earth as rain. The rain water runs back to fill the rivers, ponds, lakes, and oceans. Again, the same cycle continues. We call this the water cycle. अब देखिए, water cycle में क्या होता है कि जो sun की heat है वो सारी water bodies को heat up करता है, right? जैसे कि water vapor बनते हैं. अब water vapor rise up होते हैं atmosphere में. अब ऊपर sky में, ये water क्योंकि वहाँ पे बहुत cold होता है. तो ये वाटर वेपर जो है वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये कूल डाउन होकर फिर छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं वाटर के एंड ये टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपस में ज्वाइंट होकर क्लाउड्स बनते हैं इसके बाद फर्दर जब कूलिंग होती है तो क्लाउड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं एंड देन अर्थ में वो गिरते हैं एज रेन तो जो रेन वाटर है उसके बाद रेन वाटर से फिर से आपकी नदियों में वापस पानी चला जाता है पॉन्ड्स लेक ओशन में सब में पानी चला जाता है अगेन सेम साइकिल कंटिन्यू रहती है ठीक है तो इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल Let us remember water exists in three states solid, liquid, and gas. Ice or snow is a solid form of water. Water that we use every day is a liquid form of water. Steam or water vapor is a gaseous form of water. Water changes its state on heating or on cooling. वाटर आपका थ्री स्टेट्स में पाया जाता है आइस आपका सॉलिड फॉर्म है वाटर का और वाटर जो हम डेली यूज करते हैं वो आपका लिक्विड फॉर्म है इसी तरह से स्टीम या वाटर वेपर गैसियस फॉर्म है वाटर का वाटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं हीट करने पे या फिर कूल cool करने पे। चिल्ड्रन आई होप आपको चैप्टर समझ होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप, आप खुद से करेंगे